चार बार जब इससे पहले मैंने। अब आप सिनेमा को लेकर अपडेटेड रहते हो या ना रहते हो, आपको भले ही नहीं पता कौन सी मूवी कब आने वाली है, लेकिन फिर भी आपने जवान और सालार दो ऐसे नाम जरूर सुने होंगे कि भाई ये दो मूवीज ऐसी आ रही है इंडियन सिनेमा में जो कि बहुत कुछ चेंज कर सकती है। एक महीने के अंदर रिलीज होने वाली ये दो मूवीज दोनों पोटेंशियल रखती है कि ये हजार हजार करोड़ का कलेक्शन कर ले। एंड आप मानो या ना मानो, इन दोनों ही मूवीज को लेके हाइप इज अनरियल, लिटरली अनबिलीवेबल हाइप है इन दोनों मूवीज को लेके। लेकिन देखा जाए लिटरली तो जवान की हाइप सालार से बहुत ज्यादा है। अब कमेंट्स में गालियां मत देना, ये पॉइंट तुमको भी पता है अच्छे से कि जवान की हाइप बहुत ज्यादा है जिसके पीछे बहुत से रीजंस हैं, जिनमें से एक रीजन ये हो सकता है कि भाई प्रभास भैया की लास्ट तीन मूवीज एवरेज थी और भाई अब ऑडियंस उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, कट्टर फैंस की नहीं। भाई कट्टर फैंस अपनी एक्सपेक्टेशन कभी भी नहीं रोकते अपने हीरोज से। वही SRK ने अपनी लास्ट मूवी पठान से जो कि इसी साल आई थी उसे 1100 करोड़ की ओपनिंग दे दी है इसी साल के लिए, तो जवान को लेकर तो हाइप स्काई रॉकेट होनी ही थी। खैर इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि भाई सलार का जो टीजर आया था उसमें कुछ ऐसा दिखाया नहीं गया प्रॉमिसिंग एलिमेंट कि भाई तुम जवान से ज्यादा उसको प्रेफर करो। भाई जवान का जो 2 मिनट का प्रीव्यू आया है ना वो सलार के टीजर को धो देता है। तुम मानो या ना मानो, सलार का टीजर जवान के प्रीव्यू के आगे खड़ा ही नहीं होता कहीं। तो अभी के लिए जवान की हाइप सलार से बहुत ज्यादा है एंड नो मैटर व्हाट की रीजन क्या हो, लेकिन भाई सलार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है जवान की वजह से, क्योंकि जवान पहले रिलीज होने वाली है यानी कि 7 सितंबर को, भाई सलार 28 सितंबर को यानी कि जवान के बाद रिलीज होगी। तो भाई जवान की वजह से सलार को तो डेंट पड़ सकता है, पर सलार की वजह से जवान डेंट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास ऑलमोस्ट 21 दिन या फिर कह सकते हो 3 हफ्ते का टाइम रहेगा अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने के लिए। और अगर उसमें से भी सालार अपनी हाइप कंटिन्यू नहीं कर पाती, मूवी ठीक ठाक नहीं रही, तो फिर उसके भी वीक डेज और वीकेंड्स को कैप्चर कर लेगी जवान। वैसे देखा जाए तो इंडियन सिनेमा इतना बड़ा मार्केट नहीं है जो कि एक ही महीने के अंदर या फिर मैं बोलूं 21 दिन के अंदर दो मूवीज को 1000 करोड़ का कलेक्शन करवा दे, तो किसी एक मूवी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और सिनेरियोस को देख के यही लग रहा है कि अभी के लिए सलार वो मूवी होगी जिसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सलार अपना 1000 करोड़ कलेक्शन टच नहीं कर सकती, हो सकता है टच भी कर ले। मेरे कहने का मतलब ये है कि सलार को अपने कलेक्शन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा 300 या 400 करोड़ तो आराम से, मतलब जितना सलार को कमाना होगा उससे 300-400 करोड़ कम ही कमाएगी जवान की वजह से। और ऐसा भी नहीं कि ऐसा कोई सिनेरियो हमने इंडियन सिनेमा पहले नहीं देखा, लास्ट ईयर ही ऐसा ही कुछ सिनेरियो क्रिएट हुआ था जब दो बड़ी मूवीज का क्लैश हुआ था, RRR जो कि 28 मार्च को आई थी एंड KGF चैप्टर 2 जो कि 14 अप्रैल को आई थी, दोनों के बीच में 21 दिन यानी कि 3 हफ्ते का इंटरवल था। उसके बाद भी दोनों ही मूवीज ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया, जिसके पीछे के रीजंस ऑब्वियस हैं। सबसे पहले तो RRR की सक्सेस के पीछे रीजन था SS राजामौली का बड़ा नाम और उनकी दमदार विजुअल स्टोरी टेलिंग। उसके अलावा KGF चैप्टर 2 की सक्सेस के पीछे का राज था KGF चैप्टर 1 की मासिव सक्सेस और सस्पेंस जो कि चैप्टर 1 के एंड में बना था, उसके अलावा अपने रॉकी भाई को लेकर क्रेज। एंड अभी के करंट सिनेरियोस के हिसाब से जवान इज लुकिंग मोर स्ट्रॉन्गर देन सलार। पता है क्यों? क्योंकि सलार का टीजर एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने जवान को अंडरएस्टिमेट किया और एक टिपिकल टीजर निकाला। उन्होंने अपने टीजर में कुछ ऐसा प्रॉमिसिंग एलिमेंट नहीं डाला जिसकी वजह से लोग जवान के ऊपर आपकी मूवी को प्रेफर करें। लेकिन जवान ने अपना शॉट मिस नहीं किया, 2 मिनट का धमाकेदार प्रीव्यू निकाला जिसने सलार के टीजर को धो दिया। एंड भाई जवान के प्रीव्यू के आगे सलार का टीजर कहीं भी स्टैंड नहीं करता, देयर इज नो कॉम्पिटिशन बिटवीन देम। इवन नॉर्मल ऑडियंस को भी पता है कि जवान इज द नेक्स्ट बिग थिंग एंड उन्हें वो मूवी देखनी चाहिए। अब आप ऐसे बहुत से लोग ऐसा बोल सकते हो कि भाई इतने जल्दी में सब चीजें क्यों प्रेडिक्ट कर रहा है तू, सलार का ट्रेलर आना बाकी है। तो मेरे भाई जवान का भी ट्रेलर आना बाकी है, प्लस उसके 2 सॉन्ग्स भी आने बाकी है, तो जवान की हाइप कहीं नहीं जाने वाली, उसकी हाइप बनी ही रहेगी एज इट इज। एंड जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, जवान पहले रिलीज हो रही है तो उसके पास एडवांटेज है, लोग उस मूवी को देखने जाएंगे, उसको सलार से कंपेयर नहीं करेंगे, बट जब सलार रिलीज होगी तो जवान से उसको कंपेयर किया जाएगा। एंड आप एग्री करो या ना करो, जवान के इस धमाकेदार प्रीव्यू के बाद नॉर्मल ऑडियंस जिनको मूवी से रिलेटेड उतना कुछ नॉलेज नहीं रहता कि कौन सी मूवी कब आने वाली है, वो जवान को अंडरएस्टिमेट बिल्कुल नहीं करने वाले। एंड जवान को लेके बहुत ही ज्यादा हाइप बिल्ड हो चुकी है एंड पॉसिबली ये मूवी 1200 से 1400 करोड़ का कलेक्शन आराम से करेगी एंड सलार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को एक बहुत बड़ा डेंट मिलेगा जवान की वजह से। सिंस सलार वाई एक टिपिकल KGF फॉर्मेट की मूवी है जो कि हाई एलिवेटेड सीन्स, धमाकेदार बैकग्राउंड म्यूजिक, एंट्री सीक्वेंसेस, चॉपी एक्शन सीक्वेंसेस और अनसैचुरेटेड कलर पैलेट वाली मूवी है। एंड ये सारी चीजें तो जवान में भी है क्योंकि अपने जो डायरेक्टर हैं जवान मूवी के वो भी साउथ से आए यानी कि एटली सर, एंड वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं मूवी के अंदर। लेकिन फिर भी जवान कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती है, एक एक्शन थ्रिलर से हटके कुछ नए एलिमेंट्स को ऐड करती है अपने मूवी के अंदर। एंड जवान की स्टोरी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और वेल रिटन है, जिसका प्रूफ तुम्हें चाहिए तो तुम इसके 2 मिनट का प्रीव्यू देख सकते हो। ये 2 मिनट का प्रीव्यू देखने के बाद भी तुम्हें मूवी के बेसिक प्लॉट का भी आइडिया बहुत रेयरली लगेगा। अब इन दोनों में से कौन सी मूवी हाइप या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली रेस जीतेगी,
मुझे नहीं पता, लेकिन फायदा हमें इंडियन ऑडियंस का ही है क्योंकि हमें एक ही महीने के अंदर दो धमाकेदार इंडियन सिनेमा से मूवीज देखने को मिलने वाली है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। बाकी आप बताओ कि आप दोनों में से कौन सी मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, जवान या सालार, या फिर आप भी मेरी तरह दोनों ही मूवीज को देखने जाओगे और एंजॉय करोगे। बाकी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अवि एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अवि। ये चौथी बार है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये माइक दोगलापन कर रहा है बार बार, लिटरली चार बार। जब इससे पहले मैंने, पता है क्या हुआ, रिंग लाइट गिर के हाथ में आ गई। क्या कर सकते हैं, पहले तो ये माइक ने दोगलापन कर दिया, मतलब तीन बार मैंने रिकॉर्ड किया और तीनों बार इसने बीच में ही रिकॉर्ड करना बंद कर दिया, और अब ये चौथी बार है जिसको भी मैं पार्ट्स पार्ट्स में करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब ये बीच में बंद कर देता है तो मैं इसको वापस से रिस्टार्ट करता हूँ और रिकॉर्डिंग फिर से शुरू करनी पड़ती है। और ये रिंग लाइट गिराई भाई, क्या है कि यूट्यूब वाले पैसे देते नहीं है, स्टैंड है नहीं अपने पास, जुगाड़ बनाना पड़ता है। इसको लटकाया हुआ था मैंने, पर ये गिर गया। अब खैर इसको फिगर आउट कर लेंगे किसी और दिन अपन, तब तक के लिए गुड बाय।